वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का एक न्यू टॉपिक जो है हर्डमानिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड का यूरोकोर डेटा से। इससे पहले वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दी है फ्रेंड, जिसमें हमें दो स्पीसीज के बारे में पढ़ना था, जो ब्लेनोग्लोसिस और एम्फीओक्सिस था। उससे मैंने अच्छे से क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें समझ लीजिए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम हर्डमानिया की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइलम हमारा कोर डेटा है और जो हमारा ग्रुप है वो है प्रोटोकोर डेटा। सब फाइलम हमारा यूरोकोर डेटा है, मैंने पहले बताया है यूनिट सेकंड का यूरोकोर डेटा। और हमारी क्लास जो है एसिडिजिया है और जीनस हर्डमानिया है। एसिडियस का दूसरा एक नाम है, अगर क्वेश्चन एसिडिया के नाम से आया तो आप अच्छे समझ लेंगे कि ये हर्डमानिया ही है फ्रेंड्स। तो पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी की बात करेंगे। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, मैंने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हर्डमानिया का एक डायग्राम बना लिया है एक्सटर्नल, और हम अब देखेंगे इसमें जो ऊपरी भाग में ये दो अपर्चर पाए जाते हैं, जिसमें ब्रांचियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर। ये ब्रांचियल अपर्चर जो है वो मुख का कार्य करता है, जो एट्रियल अपर्चर है वो एनस का काम करता है। और इसके बाह्य रूप से एक टेस्ट पाई जाती है जो इसकी बाह्य रूप से रक्षा करती है फ्रेंड्स। जो अगर हम हर्डमानिया के सामान्य लंबाई की बात करें तो चार से तेरह सेंटीमीटर तक की लंबा होता है, इसकी लंबाई होती है। नीचे की ओर सिफोन पाए जाते हैं, इसी तरह एट्रियल सिफोन पाए जाएंगे। इसकी जो चौड़ाई होती है 7 से 7 सेंटीमीटर होती है। और यही वेंट्रल और डोर्सली आपको पता ही है फ्रेंड्स, ये फुट नीचे की ओर फुट पाया जाएगा, जिससे जिसकी सहायता से किसी भी पत्थर या फिर किसी भी जगह पर आसानी से चिपका रहता है, या फिर जंगली घास जब समुद्र में पाया जाता है ये भी। तो आइए इसकी सामान्य लक्षण की बात कर लेते हैं। तो हर्डमानिया को सियाकोइड्स भी कहते हैं। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में उन प्रोटोकोर्डेटा को रखा गया है जिनमें केवल लार्वा स्टेज में ही टेल अवस्था में ही भाग में नोटोकोर्ड पाई जाती है। यानी कि मैंने बताया था कोर्डेटा जंतु वे जंतु होते हैं जिनमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकोर्ड पाई जाएगी, पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी रज्जु। तो हमने इसमें देखा नोटोकोर्ड केवल लार्वा स्टेज में ही पाया जाएगा, केवल हर्डमानिया में ही एक ऐसा जंतु है जो जिसमें लार्वा स्टेज में ही और वो भी टेल इस भाग में नोटोकोर्ड पाई जाती है, एडल्ट में नोटोकोर्ड नहीं पाई जाती। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले सभी मेंबर की बॉडी में एक मुख्य रूप से कैवरी यानी कि कवरिंग होती है, जिसे हम टेस्टिस या ट्यूनिक भी कहते हैं। मैंने ये डायग्राम में समझा दिया है फ्रेंड्स, पूरे बाह्य रूप से एक कवरिंग पाई जाती है टेस्टिस, यह समुद्र या जल में पानी में पाया जाता है। इसमें पूरे इसके पूरे विश्व में जो है 12 स्पीसीज पाई जाती है, इंडिया में इसकी 4 स्पीसीज ही पाई जाती है। तो ये होगी हमारी सामान्य बात यानी कि एक बेसिक सी जानकारी हर्डमानिया के बारे में, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे समझते हैं। तो आइए हर्डमानिया के हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि स्वभाव एवं वास स्थान के बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ये वही है, इसमें मैंने पहले बता दिया था हर्डमानिया समुद्र में कम गहरे जल में पाया जाता है, और एक इसकी जो बॉडी है वो रॉक यानी कि पत्थर से जुड़ी रहती है। जो उसका निचला भाग है वो फुट जो है वो किसी पत्थर से या रॉक से जुड़ी रहती है। और यदि कोई अन्य जीव इसको हार्म यानी कि क्षति पहुंचाता है तो ये यह अपनी बॉडी को कनेक्ट करती है अपनी ब्रांचियल अपर्चर। मैंने डायग्राम में जिस तरह से समझाया था, ब्रांचियल अपर्चर ऊपरी भाग में ही पाया जाता है, ब्रांचियल अपर्चर की सहायता से ही ये, और एट्रियल अपर्चर का सहायता से ही ये वाटर करंट प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूस करता है। यानी कि ऊपरी भाग में ये जो ब्रांचियल अपर्चर आपको दिख रहा है और ये एट्रियल अपर्चर आपको दिख रहा है, इसी की सहायता से ये पानी को रिलीज करता है, जिसकी सहायता से कोई भी हानि पहुंचाने वाला जंतु हर्डमानिया से डरकर भाग जाता है इससे दूर, ये क्षति को रोक पाता है अपनी क्षति को। तो आगे देखते हैं, ये अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, यानी कि शेप एंड साइज की बात करेंगे, जिसमें इसकी बॉडी जो होती है वो अंडाकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है। ये देख ही रहे हैं, इसकी बॉडी अंडाकार या फिर रेक्टेंगल शेप्ड भी कह सकते हैं आप। इसकी लंबाई जो थी वो 4 से 13 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर होती है, जो मैंने डायग्राम में समझा दिया था। इसके शरीर का जो कलर होता है यानी कि इसके शरीर का जो रंग होता है हर्डमानिया के, वो पिंक कलर होता है। इसका कारण ये होता है कि इसके स्किन के जो नीचे की परत होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि चारों ओर ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, जिसके कारण इसका रंग पिंक्ड होता है, यानी कि पिंक कलर पाया जाता है इसका। और अगर हम डिवीजन ऑफ बॉडी की बात करें तो हर्डमानिया की जो बॉडी होती है वो दो भागों में बटी होती है, यानी कि मुख्य शरीर और हमारा ये फुट, नीचे की ओर फुट पाया जाता है। बॉडी प्रॉपर की अगर हम बात करें, यानी कि ऊपरी भाग में हर्डमानिया की बॉडी का मेन पार्ट जो होता है बॉडी प्रॉपर के रूप में होता है, यानी कि मेन भाग होता है हर्डमानिया की बॉडी का। आगे देखते हैं, इसकी शरीर के टेस्ट द्वारा कवर्ड होता है, मैंने जैसे डायग्राम में समझा दिया था फ्रेंड्स। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी केवल डायग्राम से ही रिलेटेड है, इसको आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो तो। जो इसका शरीर रक्षा कवच करता है, मैंने बताया था एक टेस्ट पाया जाता है ऊपरी भाग से चारों ओर, जो इसकी रक्षा करता है शरीर की। और बॉडी की ऊपरी सतह पर दो ट्यूबिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि ब्रांचियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर जिसे कहते हैं। इसके शरीर में ब्रांचियल अपर्चर को हर्डमानिया का माउथ, मैंने डायग्राम में समझाया था, और एट्रियल अपर्चर को एनएस यानी कि फोन भी माना जाता है, ये आप समझ सकते हैं। अगर हम टेस्ट और ट्यूनिक्स की बात करें, ट्यूनिक की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट जो होता है वो परमानेंट नहीं पाया जाता। इसमें हम देख लेते हैं, हर्डमानिया में पाया जाने वाला टेस्ट टिक वे प्रेजेंट परमानेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। सॉरी, हर्डमानिया की बॉडी के कुछ स्थानों पर ही टेस्ट अप यानी कि अप प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है, ये यहाँ पर ही पाया जाएगा, केवल ऊपरी भाग में ही टेस्ट अब कुछ भागों में स्थानों पर टेस्ट अब्सेंट होता है, यानी कि कुछ भागों में पाया जाएगा और कुछ भागों में नहीं पाया जाता है। शरीर के कुछ स्थानों पर समय समय पर बदलता भी रहता है, यानी कि कॉमनली टेस्ट जो लेंथ होती, लाइन होती है इसकी 4 से 8 mm थिक होती है, यानी कि ये जो टेस्ट की जो चौड़ाई होती है यानी कि लेयर जो बना रहता है इसके चारों ओर शरीर की, वो केवल 4 से 8 mm थिक होती है। इसके अगर हम समझने की बात करें फुट की, हम अब फुट पे आ जाते हैं टेस्ट के नीड। हर्डमानिया की लोअर पार्ट पर, यानी कि लोअर पार्ट कहते हैं इसे, हम देख लेते हैं। ये लोअर पार्ट को जो नीचे की ओर पाया जाता है उसे हम फुट कहते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। और नॉर्मली फुट की जो यानी कि थिक होती है, जो फुट होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक लॉन्ग शेप होता है। फुट जो होता है हर्डमानिया की ब्लेंचिंग ऑर्गन के रूप में भी पाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टॉपिक। मैंने डायग्राम के थ्रू इसकी थ्योरी अच्छे से समझा दी है फ्रेंड्स। अगर आपको डायग्राम को समझना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।